सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। सोनीपत जिले में स्वास्थ्य विभाग का एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है, जिसमें दिल्ली के प्रसिद्ध अस्पताल की रिपोर्ट ने रोहतक मेडिकल की रिपोर्ट को भी झूठा साबित कर दिया। 9 वर्षीय युक्तिका नाम की बच्ची, जो बचपन से सुन नहीं सकती थी, परिजनों ने लगभग 2 साल की उम्र में कान की सुनवाई का टेस्ट करवाया तो दिव्यांगता 90% से ज्यादा बताई गई और उन्हें बताया गया कि अगर सुनने वाली मशीन भी बच्ची लगा लेगी तो कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसे में परिजनों ने बच्ची का कॉकलियर इम्प्लांट करवाया ताकि बच्ची सुन सके। 5 वर्ष के बाद दिव्यांगता प्रमाण पत्र दोबारा रिन्यू करवाया तो दिव्यांगता 51% दिखाई गई। परिजनों को टेस्ट पर संदेह हुआ तो उन्होंने दिल्ली के बड़े अस्पतालों में कान की सुनवाई का टेस्ट करवाया, जहां की रिपोर्ट में दिव्यांगता 90% से ऊपर बताई गई। बच्चे की मां का कहना है कि कोक्लियर इम्प्लांट करवाने के बाद बिना मशीन के बच्ची बिल्कुल नहीं सुन सकती, फिर ऐसे में दिव्यांगता 51% कैसे आ रही है, जिसको लेकर परिवार दोबारा खानपुर मेडिकल कॉलेज पहुंचा तो उन्हें टेस्ट के लिए 1.5 साल लंबी वेटिंग बताई गई। ऐसे में परिवार ने सीएम विंडो का सहारा लेते हुए शिकायत को सीएम विंडो में लगाया ताकि बच्ची का सही से टेस्ट हो सके और दिव्यांगता के हिसाब से सरकार द्वारा दी जा रही सभी सुविधाएं उसे मिल सके। परिवार दोबारा किसी बड़े संस्थान से टेस्ट की गुहार लगा रहा है। शिकायत सीएम विंडो इंचार्ज तरुण देवीदास के पास पहुंची, जहां तरुण ने तत्परता दिखाते हुए दोबारा खानपुर से बच्ची की जांच करवाई, लेकिन रिपोर्ट से परिजन संतुष्ट नहीं हुए। ऐसे में तरुण देवीदास ने सीएमओ सोनीपत जयकिशोर से बात कर पूरे मामले में तुरंत कार्रवाई करने के लिए कहा। इस सारे मामले में स्वास्थ्य विभाग की कार्य प्रणाली पर भी सवालिया निशान खड़ा कर दिया है कि कौन ठीक है और कौन गलत, क्योंकि दिल्ली के 2 बड़े अस्पतालों की रिपोर्ट कुछ कह रही है और रोहतक और खानपुर मेडिकल कॉलेज की रिपोर्ट कुछ और। बहरहाल अब देखना यह होगा कि बच्ची को कब तक इंसाफ मिल पाता है। सोनीपत 24 के लिए श्याम वशिष्ठ के साथ रमेश कुमार की रिपोर्ट। मेरा नाम कविता है, ये मेरी बेटी है युक्तिका। ये बचपन से बिल्कुल ओके थी, लेकिन फिर उसके बाद इसको सुनना एकदम बंद हो गया। इसके ना सुनने की वजह से मैंने इसका सोनीपत में टेस्ट करवाया तो वहाँ पे मुझे ये बताया गया कि आपकी बेटी को 90+ का लॉस है, आप इसको हेयरिंग एड भी लगवाओगे उससे कोई बेनिफिट नहीं होगा, आपको इसका इम्प्लांट करवाना पड़ेगा, मुझे ये बोला गया। तो फिर मैंने दिल्ली इसका मतलब सारे टेस्ट वगैरह करवाए तो उसमें भी 90+ का लॉस आया। फिर मैंने इसका दिल्ली मैक्स हॉस्पिटल से इसका इम्प्लांट करवाया। फिर उसके बाद इसका एक हैंडीकैप सर्टिफिकेट बनवाया मैंने रोहतक से, उसमें 98% इसका वो परसेंटेज आई, 98% ये विकलांगता आई। उस समय क्या एज थी इसकी? उस टाइम एज थी इसकी 5 साल। तो 5 साल के बाद हैंडीकैप सर्टिफिकेट जो होता है वो रिन्यू किया जाता है। तो मैंने रिन्यू करने के लिए मैं फिर से सोनीपत गई, सोनीपत वालों ने मुझे खानपुर रेफर करा, वहां पे इसका फिर से टेस्ट किया गया। उस टेस्ट में उन्होंने परसेंटेज दिखा दी 51%, जो कि मेरी बेटी बिल्कुल डेफ एंड डम है। उसका 98% लॉस से उन्होंने 51 पे दिखा दिया। अब 51 लॉस जब आया तो मुझे तसल्ली नहीं हुई, मैंने उनको बोला भी कि मेरी बेटी बिल्कुल डेफ है क्योंकि उसका कोक्लियर इम्प्लांट हुआ हुआ है, उसकी जब नसें ही कट गई, हड्डी ही घिस गई, वहां पे राड फिट होगी तो कैसे वो बोल सकती है, मतलब कि सुन सकती है। लेकिन उन्होंने मेरी एक बात नहीं मानी तो अपनी बेटी को लेके फिर मैं दिल्ली गई RML हॉस्पिटल में, मैंने इसका फिर से टेस्ट करवाया, उन्होंने भी यही कहा कि आपकी बेटी 90+ का लॉस है इसको, ठीक है। फिर दोबारा वो रिपोर्ट लेके मैं फिर दोबारा खानपुर गई, खानपुर वालों को मैंने रिपोर्ट दिखाई कि ये देखो मेरी बेटी बिल्कुल डेफ है, दिल्ली वालों ने भी मुझे ये रिपोर्ट बनाकर दिया तो आपने मुझे 56% कैसे दिखाया। फिर उन्होंने मेरा एक PTA का टेस्ट करा, फिर उन्होंने देखा कि PTA टेस्ट में उन्होंने सही दिखाया खानपुर वालों ने। फिर उनके उसके बाद फिर उन्होंने कहा कि जाओ ASSR टेस्ट पहले सोनीपत से लिखवा के आओ। मैं फिर सोनीपत आई, सोनीपत में फिर गवर्नमेंट हॉस्पिटल में गई, उन्होंने कहा कि मैडम हमारा तो ऑफिस चंडीगढ़ में है तो चंडीगढ़ से लिखवा के आओ। मैंने सीएम विंडो में डाला, मैंने पोस्ट ऑफिस के जरिए चंडीगढ़ मेल भेजी, सब कुछ करा, लेकिन मुझे कहीं से कोई रिप्लाई नहीं मिला। फिर मुझे एडवोकेट सौरभ सचदेवा मिले तो उन्होंने मेरी सारी बात समझी सुनी, उन्होंने मेरी हेल्प करके फिर उन्होंने मुझे एक नंबर दिया जो था तरुण देवीदास जी का, तो उन्होंने मैंने उनके पास कॉल करी तो उन्होंने मुझे सारी मेरी सारी बात समझी और मुझे अपना उन्होंने मेरी बहुत हेल्प करी। मैं ये चाहती हूँ कि मेरी बेटी को इंसाफ मिले, मेरी बेटी
जो ये 50% का हैंडीकैप सर्टिफिकेट मेरे हाथ में थमा रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है। तो मेरी बेटी ना तो किसी खेल कूद में भाग ले सकती, ना आगे जॉब कर सकती, ना किसी स्कूल में उसको स्कॉलरशिप, मतलब हर तरह की उससे वो पीछे हट चुकी है। तो मैं ये चाहती हूँ मेरी बेटी को इंसाफ दिलाओ। तो दोबारा आपने कराया खानपुर में टेस्ट? हाँ जी, मैंने दोबारा करवाया, जिसमें उन्होंने फिर से अलग रिपोर्ट बना कर दी है मुझे। तो आप सेटिस्फाई नहीं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैंने उसी टाइम भी उनको कहा था कि ये रिपोर्ट बिल्कुल गलत है, लेकिन वो नहीं माने। वहाँ की HOD मुझे कहती है पेंशन बनवाने के चक्कर में कि तू परसेंटेज बढ़वाने आई है। क्या कोई भी माँ ऐसी होगी जो अपनी बेटी को विकलांग कहेगी? आज से 3 दिन पहले ये युक्ती का जो लड़की है, इनकी माता जी कविता जी का मेरे पास फोन आया कि हमने ऐसे ऐसे CM विंडो डाल रखा है। और मैंने उस फाइल का नंबर लेके उस फाइल का फॉलोअप लिया और तुरंत प्रभाव से मैंने कानपुर के जो डायरेक्टर हैं डॉक्टर महेंद्र, उनसे संपर्क किया, क्योंकि उन्होंने इनको जवाब दिया। वहाँ कानपुर से इनको जवाब मिला कि अभी 1.5 साल तक उनके पास वेटिंग है, इस लड़की का भी टेस्ट नहीं हो सकता वहाँ पर। जो इनका जो ऑडिबल रेंज, जो इनका ऑडिबिलिटी चेक करने के लिए जो ASR टेस्ट होना था, तो वो 1.5 साल का समय मांग रहे थे। तो मैंने उनको कहा कि तुरंत प्रभाव से इस लड़की का टेस्ट किया जाए, क्योंकि इनकी माता जी बहुत परेशान हो रहे हैं और लंबे समय से इनका पहले ही मामला पेंडिंग है। तो कल इनका जो टेस्ट करवाया, उसमें खानपुर ने जो इनका रिजल्ट दिया और जो इनका पहले टेस्ट, जो कि मैं हिंदुस्तान के भी नहीं कहूँगा, पूरे विश्व के माने हुए हॉस्पिटल है, राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, आपका मौलाना आज़ाद हॉस्पिटल, वहाँ से इस लड़की का 1.5 महीने पहले जो टेस्ट हुआ, उसका जो रिजल्ट आ रहा है और जो यहाँ पर खानपुर का जो रिजल्ट आ रहा है, उन दोनों में बहुत फासला है। वहाँ से जो रिजल्ट आ रहा है, वहाँ के हिसाब से, वहाँ के अकॉर्डिंग इस लड़की का जो हैंडीकैप का जो परसेंटेज है, वो 90% से ऊपर का बन रहा है। और यहाँ की अगर हम बात करें, ये उसी परसेंटेज को 50% के नियर बाय कह रहे हैं, जो कि एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। ठीक है, 2-4%, 5% मैं समझ सकता हूँ मशीनरी एरर की वजह से हो सकता है, लेकिन सीधा डबल का फर्क आना 50% और 90%। और सबसे बड़ी बात है कि मैं फिर दोबारा उस बात को रिपीट करना चाहूँगा, राम मनोहर लोहिया अस्पताल और मौलाना आज़ाद हॉस्पिटल, ये दोनों अपने आप में बहुत ही बड़े इंस्टीट्यूट हैं, जो कि खाली भारत से नहीं, पूरे विश्व से अलग अलग कोनों से लोग यहाँ पर कई कई दिन दिल्ली रह के इलाज कराते हैं। तो हम उनकी रिपोर्ट को तो किसी भी हिसाब से चैलेंज नहीं कर सकते। और CM विंडो को फॉलो करते हुए आज मैंने CMO डॉक्टर जयकिशोर जी से एक मैंने सिफारिश किया है कि आप इनका जो टेस्ट है और भी जो आपके पैनल में आते हैं, जैसे रोहतक मेडिकल कॉलेज है या कहीं और, आप इसको क्रॉस चेक कराओ। क्योंकि मेरे हिसाब से हम जो दो इंस्टीट्यूट पहले, जहां से इस लड़की का 90% से ऊपर आ चुका है, वो चैलेंजेबल नहीं होना चाहिए। और मेरा प्रयास रहेगा CM विंडो के माध्यम से इस लड़की को, इसकी माता जी को, इसके परिवार को, सभी को इंसाफ मिले। और जो जिस चीज़ के हकदार हैं, जो इस लड़की का हक है, ताकि इस बच्ची का जो फ्यूचर है, जो भविष्य है, वह सिक्योर रहे, इस बच्ची को इसका हक मिले। और हमारी भारतीय जनता पार्टी का तो वैसे भी एक नारा है, बेटी बढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, और उसी नारे को आगे बढ़ाते हुए, ये एक आम नागरिक होने के नाते भी मेरा कर्तव्य है कि इस बच्ची का जो भविष्य है वो उज्ज्वल हो।